हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज फिर से मैं निकल पड़ा हूं एक नई जगह की तरफ, जिसका नाम है पपंगा हिल, और ये बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। संबलपुर से करीब 50 किलोमीटर डिस्टेंस होगा इसका, और मैं अराउंड 25 किलोमीटर आ चुका हूँ और 25 किलोमीटर मुझे जाना है। और इस पर्वत का कुछ हिस्टोरिकल वैल्यू भी है उड़ीसा के लिए, तो इसका जो स्टोरी है मैं वहाँ पे आपको पहुँच के बताऊँगा। तो आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं मंजिल की तरफ। सो गाइस, मुझे एक साइन बोर्ड मिला है, पपंगा हिल 11 किलोमीटर दिखा रहा है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और 11 किलोमीटर हमको जाना पड़ेगा। तो गाइस, और 6 किलोमीटर बाकी है, लेकिन 6 किलोमीटर दूर से ही पहाड़ का क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है, आप भी देखिए। देखिए गाइस, दूर से ही पहाड़ नज़र आ रहा है। ये है पपंगा हिल, जो कि बरगढ़ जिला भेड़न ब्लॉक में आता है, और 6 किलोमीटर दूर से ही पहाड़ नज़र आने लगा है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है गाइस पहाड़ का, और इसका जो रास्ता है पूरा गांव का रास्ता है। मेरे लेफ्ट साइड में एक कैनल जा रहा है, राइट साइड में कुछ गांव और खेत नज़र आ रहे हैं। देखिए गाइस, खूबसूरत लहलाते हुए खेत, और इस तरफ कैनाल, जो कि हीराकुद रिजर्वर से पानी छोड़ा जाता है इस कैनाल में, और ये बरगढ़ कैनाल का एक सब्सिडियरी कैनाल भी है, एक शाखा कैनाल है बरगढ़ कैनाल का। गाइस, आप दूर से देख सकते हैं पपंगा पहाड़, और 2 किलोमीटर है। और पपंगा पहाड़ जाने से पहले एक खूबसूरत सा मंदिर मुझे नज़र आया है, शिव मंदिर है, तो थोड़ा रुका मैं मंदिर देखने के लिए, तो आपको भी दिखा रहा हूँ। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और पपंगा पहाड़ की तरफ चलते हैं। तो फाइनली गाइस, मैं लोकेशन के पास पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे मुझे गाड़ी पार्क करना पड़ेगा शायद। हाँ, पार्किंग करवाए पड़वा। तो गाइस, फाइनली मैं लोकेशन के पास पहुँच चुका हूँ और गाड़ी भी पार्क कर लिया। 20 रुपया टिकट करना पड़ा। अब पसीना बहाने का टाइम आ गया है। लोकल्स के हिसाब से 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग है पूरा टॉप तक, जहाँ पे कुछ केव्स हैं, और 275 सीढ़ी है। पहले सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, 275 सीढ़ी, उसके बाद 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग भी करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी है, राम मंदिर और शिव मंदिर, वो मंदिर भी दर्शन करेंगे, और उसके बाद वीर सुरेंद्र साय गुफा के पास भी जाएंगे। और यहाँ पे एक स्टैचू भी है वीर सुरेंद्र साय जी का, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए गाइस, ये है वीर सुरेंद्र साय, जो कि हमारे वेस्टर्न उड़ीसा के काफ़ी बहादुर फ्रीडम फाइटर थे, और जो मैं आपको हिस्टोरिकल वैल्यू के बारे में बोल रहा था, वही हिस्टोरिकल वैल्यू ये है कि वीर सुरेंद्र साय जी इस पहाड़ में छिप के रहते थे गुफा के अंदर, और ब्रिटिशर्स के साथ गोरिल्ला वार करते थे। यहाँ अपन को ना डाकाना है रवि बाग, अपन इन लोकल हैं। हाँ, बोले सब बोले इनके आना जाना कर सुन। हाँ, एकादशी पीठ अच्छे बोले सुन, राम मंदिर से ना उपवास भी रह सुन। अच्छा, हम आज को थोड़े लिखा है जागा रो विषय रे काना जानी जोन जागा रो विषय बोला वीर सुरेंद्र साय गुंफा अच्छे बोली जानी को इधर आगे
ସେନ ଲୁକିକିରି ସେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ। ଇଏ ଗାଇସ୍ ପପଙ୍ଗା ପର୍ବତ କା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍, ୟହାଁ ସେ ଆମକୁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼କେ ମନ୍ଦିର ତକ ଜାନା ପଡ଼େଗା। ଉସକେ ବାଦ ଫିର ହମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଟ୍ରେକିଂ କରନା ପଡ଼େଗା ଗୁଫା କି ତରଫ। ତୋ ଆଇଏ ଥୋଡ଼ା ପସିନା ବାହାତେ ହେଁ ଔର सीढ़ी चढ़ते हैं। देख सकते हैं गाइस कितने सारे सीढ़ी है। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो चुकी है। गर्मी का मौसम है, कल तक बारिश हो रहा था और आज देखिए एकदम तेज धूप। हालांकि अच्छी बात यह है कि हवा अभी भी ठंडा है, तो जब थोड़ा थोड़ा हवा लग रहा है तो थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे गाइस एक सीजनल वाटरफॉल भी है जो सिर्फ बारिश के महीने में ही फ्लो होता है। उसका जो ड्राई पार्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये एक सीजनल वाटरफॉल है। आप पत्थर में जो काले काले निशान देख सकते हैं, ये पानी की फ्लो की वजह से बना हुआ है। बारिश के मौसम में ये काफ़ी अच्छा लगता होगा। अब लगभग सीढ़ी ख़त्म होने को आया है। 275 सीढ़ी मैं लगभग चढ़ चुका हूँ और यहाँ से नीचे का व्यू कुछ इस प्रकार है गाइस। गाइस यहाँ पे सीढ़ी ख़त्म हो गया, 275 सीढ़ी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से मंदिर तक थोड़ा दूर जंगल ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे आने का बेस्ट सीज़न रेनी सीज़न और विंटर सीज़न है, और अगर आप समर सीज़न में आ रहे हैं आपको वाटरफॉल नज़र नहीं आएगा, जैसे कि मुझे वाटरफॉल नज़र नहीं आया और गर्मी भी काफ़ी होगी, तो प्रॉपर सेफ्टी के साथ समर में आना पड़ेगा। खाना और पानी अपने साथ ये ज़रूर रखिएगा। गाइस मैं अब लगभग मंदिर के पास पहुंचने वाला हूं। यहां पे एक तो छोटा सा जंगल ब्रिज बना हुआ है, देखिए काफ़ी क्यूट सा जंगल ब्रिज। वाटरफॉल का पानी इसके नीचे से फ्लो होता होगा और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे एक तो फुटबॉल भी बनाया गया है कंक्रीट का, हालांकि काफ़ी गंदा हो चुका है। मैं गाइस मंदिर को एंटर करने वाला हूँ। राम जी का मंदिर है और साथ में शिव जी का भी मंदिर है। और यहाँ पे एक मठ भी है गाइस। मंदिर के पास गाइस एक कुआं भी है, काफ़ी पुराना कुआं नज़र आ रहा है और ये हाथ से खोदा हुआ कुआं है गाइस, कोई भी मशीनरी यूज़ नहीं हुई है इसमें। गाइस ये था राम मंदिर और शिव जी का मंदिर। और दुख की बात ये है कि मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी की देहांत में मुखाग्नि दिया था, तो इसकी वजह से मैं मंदिर के अंदर एक साल तक एंटर नहीं कर सकता। तो आइए आगे बढ़ते हैं और गुफा की तरफ चलते हैं, जहाँ पे वीर सुरेंद्र साय छुपा करते थे और
ब्रिटिशर्स के साथ गोरिल्ला वार करते थे। गैस मंदिर के पास थोड़ा मैंने मुंह हाथ धो लिया, थोड़ा फ्रेश लग रहा है अभी। अब मैं रेडी हूँ गुफा की तरफ जाने के लिए, जिसके लिए जंगल में ट्रैकिंग करना पड़ेगा और पहाड़ की चढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ गुफा की तरफ। गुफा में जाने से पहले मैं आपको एक पॉन्ड दिखाना चाहूँगा। जंगल के बीच में एक पॉन्ड है, ये पहाड़ के बीचों बीच एक पॉन्ड बना हुआ है। अबे आके जीवार रास्ता के नाड़े गुम्फा गुम्फा इवाटू हाँ हाँ देखो कते दूर जाए हो जी। ना पूरा जाई हबा हाडा 15 मिनट लासी आरे खाली बाहर बारे। अच्छा देवरी बुही ने दुहीटा छाड़ी नबो सीधा सीधा पला। ठीक ओसे तो गाइस अब हम आगे बढ़ेंगे गुफा की तरफ। लोकल्स मुझे पूछ रहे हैं अकेले जाओगे, मैं बोला हाँ अकेले ही जाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई अकेला ट्रैकिंग नहीं करता है, मैं ही शायद पहला बंदा हूँ जो अकेले ट्रैक कर रहा हूँ इस जंगल में। बाकी जो भी आते हैं ग्रुप्स में आते हैं और ग्रुप्स में ही ट्रैकिंग करते हैं। हालांकि डर तो लगता है अकेले जाने में, रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन यदि तोर डाक सुने क्यों ना आसे तो भी अकेला चलो रे। अब देख सकते हैं गाइस कैसे रास्ते से जाना पड़ रहा है। हालांकि मुझे रास्ता मालूम नहीं है, मैं अंदाजे के साथ ही ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ। गाइस लगता है मैं गुफा तक पहुँच चुका हूँ। हाँ गाइस यही वो गुफा है। बोला जाता है इसकी लंबाई लगभग 75 से 100 मीटर होगा, जो कि मैंने जो नीचे पॉन्ड दिखाया वहाँ निकलता है। गाइस हालत ख़राब होने लगी है, गुफा को मैंने पीछे छोड़ दिया है और ऊपर की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक अच्छी बात यह है कि मैं जंगल के अंदर हूँ और धूप काफ़ी कम है, धूप से तो बचा हुआ हूँ लेकिन पसीने से तरबतर हूँ। गर्मी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, पसीने से मैं पूरी तरह से भींग चुका हूँ। अब और मुझे और ऊपर चढ़ना है, पीछे देख सकते हैं आप। थोड़ा रेस्ट करने के लिए मैं रुका हूँ। दूर से पहाड़ जितना छोटा और चढ़ाई करने में आसान लग रहा था वो है नहीं, काफ़ी मेहनत लग रहा है चढ़ाई करने में। इसीलिए किसी भी चीज़ को
आप छोटा मत समझिए, एक छोटी सी चींटी भी हाथी के सूंड में घुसकर उसे परेशान कर सकती है। तो किसी को भी आप छोटा मत समझिए कभी भी, किसी को अंडर एस्टिमेट करना आपके लिए काफ़ी घातक हो सकता है। थोड़ा पानी वानी पीते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, देखते हैं और कितना दूर मैं जा पाता हूँ। ज़्यादा मैं रिस्की जगह में जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं अकेले ही ट्रैकिंग कर रहा हूँ। अगर कहीं से मैं गिर गया, हाथ पैर टूट गया, तो शायद मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तो समझदारी इसी में है, जितना मैं खुद को सेफ रख सकूँ रखूँगा, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर स्मार्ट होके ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊँगा कि मुझे लेने के देने पड़ जाएं। गाइस, मैं काफ़ी ऊपर तक आ चुका हूँ, लगभग टॉप में आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी और 50-60 मीटर ऊंचा बाकी है। लेकिन यहाँ से आप, मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी रिस्की ट्रेकिंग है यहाँ से, तो अकेले जाना सेफ नहीं होगा। मैं आपको यहीं से व्यू दिखाता हूँ कैसा व्यू है। देखिए गाइस, क्या खूबसूरत व्यू है। और सूरज देवता मेरे ऊपर थोड़ा मेहरबान हुए हैं, और बादल हो गया है और ठंडी ठंडी हवा आने लगी है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ नीचे एकदम खाई है गाइस, यहाँ पे एक गलती आपकी जान ले सकती है। उस टॉप में जाना मुझे अकेले पॉसिबल नहीं लग रहा है। देखिए गाइस, क्या गजब का व्यू है। और मैं जो मंदिर क्रॉस करके आया, वो मंदिर काफी नीचे है। देखिए, छोटा सा मंदिर नजर आ रहा होगा आपको, यह है वो मंदिर और वो काफी नीचे है। यहाँ पे गाइस एक तो लाल झंडा लगा हुआ है, नीचे लोकल्स बोल रहे थे कि टॉप के आसपास एक देवी माँ का छोटा सा मंदिर है, मंदिर है या क्या है, पास जाके ही पता चलेगा। और यहाँ से क्या खूबसूरत व्यू है गाइस, देखिए क्या गजब का व्यू है। और थोड़ा बादल होता तो काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन आज बादल है नहीं। और कुछ दिन पहले यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ था, एक ग्रुप आए थे और यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते को उन्होंने छेड़ दिया था, तो उनके ऊपर मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया था, और उसका सबूत आप देख सकते हैं, यहाँ पे गिरा हुआ है ये, आप देख सकते हैं, ये है मधुमक्खी का छत्ता जिसको उस ग्रुप ने तोड़ा होगा, और मधुमक्खियों ने इसकी वजह से उन पर अटैक कर दिया। और मैं आपको मधुमक्खी का छत्ता भी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए गाइस, वहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता नज़र आ रहा है। अभी काफ़ी शांत है,
काफी सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं यहाँ पे गैस। तो थोड़ी देर बैठने के बाद गैस व्यू का मजा लेने के बाद अब नीचे उतरेंगे और वो जो लाल झंडा दिखा रहा था ये है वो झंडा। और यहाँ पे ऐसा कोई खास मंदिर नहीं है, सिर्फ एक झंडा लगा हुआ है। लगता है किसी स्पेशल ओकेजन में यहाँ लोग कोई पूजा करने आते होंगे। गैस चढ़ना जितना मुश्किल था अब उतरना भी उतना ही मुश्किल है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे अकेले आने की कोशिश मत कीजिए, ग्रुप के साथ आइए। अगर पूरा टॉप तक जाना है तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ग्रुप में आना ही सही होगा। और मैं अभी धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रुका था, अब नीचे उतर रहा हूँ। आपको भी दिखाता हूँ कैसे नीचे उतरना है। देखिए गाइस मैं अब नीचे की तरफ रवाना हो चुका हूँ, नीचे की तरफ उतर रहा हूँ मैं। और काफ़ी सावधानी से उतरना होगा मुझे। दोपहर के 12:30 बज गए हैं, अब धूप और तेज़ होने लगा है तो नीचे उतरना ही बेटर होगा। देखिए गाइस कितना खतरनाक ट्रैक है और लोगों के चप्पल भी इस रास्ते में छूट जा रहे हैं या फिर टूट जा रहे हैं चप्पल। गाइस आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। आपका सपोर्ट मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं और मंदिर तक पहुँचते हैं। गाइस जंगल में ट्रैकिंग करना आसान नहीं होता। मैं अकेले आने का हिम्मत इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे जंगल बहुत पसंद है, तो साहस करके मैं जंगल के अंदर आ जाता हूँ। और कोई कोई जगह सक्सेसफुली मैं पहुँच जाता हूँ और किसी किसी जगह में मुझे वापस ही लौटना पड़ता है, क्योंकि अकेले होने की वजह से खुद का सेफ्टी खुद के हाथ में रहता है। आई होप आज आप समझ पा रहे होंगे कि अकेले ट्रैकिंग करना कितना मुश्किल होता है। आप ये मत समझिए कि मैं किसी भी हिल में जाता हूँ और एकदम टॉप तक नहीं पहुँच पाता हूँ। इसका कारण यही है कि मैं अकेला रहता हूँ और मुझे कुछ हो गया तो मुझे यहाँ पे और बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बेहतर है अपने दिमाग से काम लीजिए और पेशेंस के साथ काम कीजिए। किसी भी काम में हड़बड़ी ठीक नहीं होता।
गाइस अब मैं वो पॉन्ड के पास आ चुका हूँ और यहाँ से मंदिर भी नज़र आने लगा है। तो मंदिर में थोड़ा रुक के फ्रेश हो जाएंगे और फिर सीढ़ी से नीचे उतर के घर वापस जाएंगे। तो आइए चलते हैं और सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। तो फाइनली गाइस मैं नीचे आ चुका हूँ और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है पपंगा पर्वत जो मैं अभी ट्रैक करके आया। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, जय श्री राम।